हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ना ये वाला टॉपिक क्लियर किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि इसके लास्ट हिंदी वाक्य के आखिरी में अगर आपको ये अक्षर मिलते हैं तो ये इसकी पहचान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल भी बताया था, सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब के साथ एस ई एस का यूज़ लगेगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एस मतलब सिंगुलर और पी मतलब यहाँ पे प्लूरल है, मैंने आपको बता दिया है। और सब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं, वो भी आपको अच्छे से पता होगा, ही शी इट नेम सिंगुलर है और आई यू वी दे आपके प्लूरल टेबल्स हैं सब्जेक्ट के, ठीक है, और दोनों ही सब्जेक्ट हैं ये। उसके बाद नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है डू डज के साथ, नॉट थर्ड नंबर पर ही लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद यदि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो रूल में एस ई एस लगेगा, और अगर नेगेटिव में एस ई एस नहीं लगेगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे तो उसमें ये वाला ई एस वाला एस ई एस वाला रूल नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो ये रहेगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस नेगेटिव पॉइंट। मतलब यहाँ पे पॉइंट टू भी रिमेंबर वही प्रीवियस क्लास का ही है, बस आपको ही थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए दिया है। प्रेजेंट का सब्जेक्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब और एस ई एस का यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में होगा, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, ठीक है। और वही अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट डू डज के साथ थर्ड नंबर पे नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी आपकी। उसके बाद आता है अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में ई एस आएगा, मतलब जो इंडेफिनिट सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट के, इंडेफिनिट सेंटेंस में एस ई एस का यूज़ होगा। कैसे होगा, एस ई एस का यूज़ आपका सिंगुलर टेबल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ही शी इट नेम अगर आता है तो उसके साथ आपको एस और ई एस का यूज़ करना है, इस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज़ करना है, ठीक है। आई यू वी दे अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें एस ई एस दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं होगा, एज इट इज़ लिखा जाएगा इसको, ठीक है। अभी आगे सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, फिलहाल आपको ये पॉइंट भी रिमेंबर वाले पॉइंट है, बस आपको याद रखना है। अफर्मेटिव नेगेटिव में डू डज नॉट का यूज़ आएगा, और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर के साथ आपको क्या यूज़ करना है, डज यूज़ करना है, और प्लूरल के साथ आपको डू का यूज़ करना है, डू नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि आपको नेगेटिव में बनाना है एक सिंगुलर टेबल के साथ में, तो ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है, ठीक है। और अगर यही आपको यहाँ बनाना है नेगेटिव में तो प्लूरल के साथ बनाना है तो क्या बनाएंगे आप, वी डू नॉट वर्क, हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही शी इट नेम दे रखा है, ही शी इट नेम मतलब एस ई एस का यूज़ भी इसके साथ है और डज का यूज़ नेगेटिव में यूज़ होगा इसका, लेकिन आपका आई यू वी दे जो है उसके साथ आपका ई एस का या एस का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव में आपको डू का यूज़ करना है और सिंपल में आपको एज इट इज़ ही लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉपिक है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज आप देख रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल, इसका भी मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस का यूज़ भी होगा। अच्छा, एस और ई एस का जो रूल है ना वो किसके साथ फॉलो करना है आपको मैं बताऊंगी अभी आगे।